After a bath, this is a poem of Marigold, grade 1 class, book unit 2. इन दिस फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़का है जो जो नहाने के बाद बाहर आया है और अपनी बॉडी को क्या करता है, व्हिप करता और ड्राई करता है, और साथ में सब बॉडी पार्ट्स को भी क्या करता है, व्हिप करता है, और साथ में कुछ सोचता भी है, अगर वो डॉग होता तो वो शेक शेक करके अपनी बॉडी को ईजीली ड्राई कर सकता था. तो लेट स्टार्ट द पोएम नाउ. आफ्टर अ बाथ एंजॉय दिस पोएम. After my bath, I try to whip myself till I am dry. First four line क्या कह रही हैं? After my bath, I try, मैं कोशिश करता हूँ to whip myself, मैं अपनी बॉडी को सुखाने की कोशिश करता हूँ, मतलब पोछने की कोशिश करता हूँ, till I am dry, till जब तक मैं कभी ड्राई ड्राई नहीं हो जाऊँ, जब तक तो पूरी बॉडी में से जहाँ जहाँ पानी है वो सब तरीके से मेरे से सूख नहीं जाए, जब तक तो मैं करता पोछने की कोशिश करता हूँ. हैंड टू विप एंड फिंगर एंड टो इज एंड टू वेट लेग्स एंड शीन एंड शाइनी नोज. अब क्या बोला कि वाइप विप करना, मतलब किस किस को विप करना, हैंड्स को, फिंगर्स को, टॉयज को, टू वेट लेग्स को एंड शाइनी नोज को अच्छी तरह से पोछना. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक शेक शेक. जस्ट अभी कुछ सोचने लगता है कि हाउ मच लेस टाइम, अगर ये जो टाइम पोछने का और ड्राई करने का है उससे कम टाइम क्या हो सकता है, कि अगर बॉयज सोचता है कि अगर मैं डॉग जैसा होता. अब डॉग जैसा होता मतलब क्या, डॉग जैसे उसकी बॉडी होती तो ना ही उसको ये टॉयल से पोछने की ज़रूरत पड़ती और ना ही उसे ड्राई करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि डॉग डॉग जैसा करता है शेक शेक शेक, और शेक करने से क्या होता है, उसे जितना भी बॉडी में जो पानी होता है वो फर्र से ख़त्म हो जाता और उसकी बॉडी का जो सूख जाती. तो बच्चा ये सोचता कि अगर मेरी बॉडी डॉग जैसी होती तो मुझे ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो ये है मेरी पोएम आफ्टर अ बाथ.